हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रेप आई एस प्रेप आई एस पे आप सबका स्वागत है सो डेली गाइडेंस प्रोग्राम में आज मैं दूंगा आपको इकोनॉमिक्स के लिए डे फाइव के टारगेट्स विच वुड बी फॉर ट्वेंटी सिक्स ऑगस्ट एंड देखिए जो लोग नए हैं इस प्रोग्राम में आर जस्ट सीइंग दिस वीडियो सी अंडर दिस प्रोग्राम हमारी कोशिश है कि आपका जो पूरा सिलेबस है यू पी एस का और बोथ प्रेम्स एंड मीन्स हम जो है गाइडेड वे में और टारगेटेड और प्रिसाइज वे में कवर करवाएंगे एंड इसके लिए हम मंडे टू फ्राइडे जो है आपको डेली फाइव ए पे टारगेट्स देते हैं सैटरडे संडेज आपके पास बैकलॉग क्लियर करने के लिए और रिविजन के लिए है नाउ जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं देर आर सम फ्रॉम साइड टू मेक मोस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम देखिए पहली चीज तो प्लीज फर्स्ट थिंग इज इंश्योर कि आप टारगेट्स रेगुलरली जिस दिन दिए जाते हैं उस दिन आप उसको कंप्लीट करें पहली चीज दूसरी चीज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट तो प्लीज प्री साथ में जो भी टारगेट आप कवर करो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो एंड आई वुड आल्सो बी ट्राइंग टू डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ जो है जितना पॉसिबल हो सकता है उतने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डिस्कस भी करूँगा इनफैक्ट अभी इसके बाद पहले हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे और उसके बाद आई वुड बी गिविंग यू द टारगेट्स राइट बट आपसे आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके मेन्स और प्रेम्स दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो एंड थर्ड थिंग वुड बी कि प्लीज कमेंट्स में आप बताया करिए कि वेदर यू आर एबल टू अचीव द टारगेट और नॉट क्योंकि दिस इज समथिंग दैट बिल्ड्स अ कमिटमेंट टू द प्रोग्राम सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कमेंट्स में बताएं कि वेदर यू आर एबल टू अचीव द टारगेट्स और नॉट नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स फर्स्ट डिस्कस जो क्वेश्चन मैंने आपको कल डी फोर में दिया था पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं तो so देखिए ये क्वेश्चन आपका आया था राइट टू जीरो टू वन में ही आया था आपका ठीक है एंड वन फिफ्टी वर्ड्स यानी टेन मार्कर था ठीक है नाउ बड़ा ही यू नो एंड आई होप ये आपने क्लियरली पढ़ रखा होगा बट जस्ट लेट मी गिव यू वॉट शुड हैव बीन दी स्ट्रक्चर और किस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना था तो so, देखो इंट्रो में आप सीधा सीधा पहले बताते कि जी के बारे में देट जी डी पी इज वन ऑफ दी इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यूज टू मेजर नेशनल इनकम और उसके बाद आप ये बताते कि ये चेंज जो है कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी में ये जो चेंज हुआ है 2015 में राइट right, क्यों किया गया है बेसिकली ये इसलिए किया गया था ताकि जो हमारी कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी है नेशनल इनकम की इट बिकम्स कंप्लाइन टू यू सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट टू ठीक है अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये चीजें पता रहेगी सो so, अगर आप इंट्रो में ये दो चीजें बता देते हो एक एक लाइन लिखनी है ज्यादा नहीं ठीक है एक लाइन में जीडीपी इज इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर और ये जो चेंज किया था 2015 में इट वाज टू डन टू इंश्योर दैट जो हमारा कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी लॉजी है इट इज मोर यू नो इन लाइन विद सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट टू ठीक है सो ये जो है आप अगर बता दोगे सो so एग्जामिनर जो चेक कर रहा होगा इसको ही अंडरस्टेंड्स कि आपको कॉन्टेक्स्ट और आपको क्या ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है वो पता है राइट फिर उसके बाद आ जाएगा आपके बॉडी पार्ट बॉडी so पार्ट में सीधा जो है आप बोलोगे कि चेंजेस हैव बीन अक्रॉस मेनली थ्री डायमेंशन पहला बेसियर राइट बेसियर मेथोडोलॉजी और कवरेज ठीक है इन तीन जगहों में चेंज हुआ है सो बेस ईयर में आप बताओगे 2004 हजार पांच से हमने जो है चेंज किया है 2011 हजार ग्यारह बारह बट सिर्फ इतना लिखना काफी नहीं है बेसिकली आपको बताना पड़ेगा कि ये बेस ईयर में चेंज क्यों किया गया तो वहां पे आप बताओगे कि रेगुलर बेस ईयर में रिविजन इसलिए करते हैं सो दैट इट रिफ्लेक्ट्स दी करेंट ट्रेंड्स की जो करंट जो है ट्रेंड्स है और वो आउटडेटेड ना हो इसलिए रेगुलरली जो है बेस ईयर में चेंज होते हैं अब मेथोडोलॉजी के चेंज की बात करें तो सबसे पहले तो जो हेडलाइन ग्रोथ रेट था हमारा अब यहां पे बताओगे हेडलाइन ग्रोथ रेट पहले हम इस हेडलाइन ग्रोथ रेट को लेते थे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अब जो है ये जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस है दूसरी चीज जो है सेक्टर uh, वाइज हम ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए लेते थे वो पहले फैक्टर कॉस्ट पे बताते थे बट अब उसको बेसिक प्राइस पे बताएंगे एंड इनफैक्ट यू वुड एक्सप्लेन कि बेसिक प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या आंता है इनफैक्ट वो फॉर्मूला आई होप अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा रिलेशन मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट और बेसिक प्राइस में और प्रोडक्शन टैक्सेस एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज इंक्लूड किया गया है वो चीज आपको आइडिया होगा ठीक है सो so, ये जो है मेथोडोलॉजी में चेंज हुआ कि हेडलाइन ग्रोथ रेट जो है इस तरीके से मेजर की जाने लगी और सेक्टर वाइज जीवीए के लिए जो है ये करने लगे इन टर्म्स ऑफ कवरेज जो डेटा यूज किया जाता था डेटा सेट जो यूज किया जाता था पहले क्या यूज किया जाता था कि जो है आपका एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज यूज किया जाता था ए का डेटा राइट ए का डेटा और आरबीआई के सैंपल सर्वे बट अब क्या है एमसीए ट्वेंटी का डेटा यूज किया जा रहा है ठीक है और इसके अलावा डेटा सेट में यह भी चेंज है कि काफी जो एक्टिविटीज हैं जो जो पहले यू नो मेनी अदर एक्टिविटीज नॉट इनकॉर्पोरेटेड सो अब जो है काफी ऐसी एक्टिविटीज जैसे आर एंड डी है अब उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट ट्रीट किया जा रहा है राइट सो दीज काइंड ऑफ चेंजेस वर देयर ठीक है इसके अलावा और चीजें आप बता सकते हो कि और क्या चेंज हुए थे कि डेटा सेट के अलावा कि आपका जो है फाइनेंशियल सेक्टर का कवरेज जो है इन पोस्ट 2015 मोर कॉम्प्रसिव है और दो तीन जो है आप माइनर चीजें लिख दो रिमेंबर ये टेन मार्कर है तो आपको बहुत ज्यादा इलाबरेटेड यहाँ पे लिखने का स्कोप नहीं होगा तो और दो तीन जो है कवरेज में माइनर चीजें लिख दो और उसके बाद कंक्लूजन क्या रहेगा कंक्लूजन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक ठीक है सो ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन ये होगा कि जो बेसिकली ये जो चेंज किया गया है इट हैज मेड अवर नेशनल इनकम अकाउंटिंग मोर रोबस्ट ठीक है और ज्यादा इंडिकेटर्स यूज हो रहे हैं राइट एंड बिकॉज ऑफ विच जो है हमारी नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है और ज्यादा रोबस्ट बन गई है एंड इट इज मोर कंप्लाइंट विद द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग राइट सो दिस मेक्स मेक्स अवर यू नो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड जो पॉलिसीज वगैरह में उसमें ये जो है ज्यादा बेटर हेल्प करेगा दिस इज हाउ यूल कंक्लूड ना दिस इज दी फ स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क जो आपको करना है एंड दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड राइट सो इस तरीके से अगर आप लिखतेज वन ऑफ द आइडियल आंसर जो आप लिख सकते थे नाउ आई नो आप लोग सोच रहे कि सर हमें कैसे पता चलेगा इतना डिटेल में देखो अभी आपने देखा ना कि एक क्वेश्चन का आंसर हमें ऐसे करना है नाउ जस्ट बाय सींग धिस ऑफ स्ट्रक्चर यू गेट एन आइडिया की जब आप पढ़ रहे हो तो आंसर राइटिंग के लिए आपको किस तरीके से चीजों को जो है पढ़ना है सो so, अगर आप पढ़ते ही इसी स्ट्रक्चर में चीज को तो आपका आंसर राइटिंग बहुत इजी बन जाता है सो दैट्स वाई रिमेंबर इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आंसर राइटिंग का सजेशन आपको दिया जाता है कि आप एटलीस्ट अगर यू नो आंसर राइटिंग कर भी नहीं पाते तो एटलीस्ट देख ही लो वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा कि, कि किस तरीके से आंसर लिखने हैं हमें किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है कंटेंट को तो आप उसी तरीके से पढ़ोगे नाउ मूविंग ऑन टू दी टारगेट्स अगर टारगेट्स की बात करें सो टारगेट्स आर क्वाइट सिंपल सी देखो ये चैप्टर टू में पूरा का पूरा नहीं पढ़ना इसमें ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट ये वाला टॉपिक पढ़ना है बस ये वाला पढ़ना है बाकी सारा आपको नहीं पढ़ना ठीक है और एन जो क्लास ट्वेल्थ की जो है इंट्रोडक्ट्री मैक्रो इकोनॉमिक्स ये वाली एनसीआरटी है इसका थर्ड नहीं फोर्थ चैप्टर पढ़ो अब आप पूछोगे सर फोर्थ क्यों थर्ड क्यों नहीं देखो सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ा नेशनल इनकम राइट right? की कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ो नेशनल इनकम क्या है किस तरीके से मेजर किया जाता है थर्ड चैप्टर में आप पढ़ोगे कि भाई इसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है क्योंकि सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा कि जीडीपी ये होता है ये सब होता है थर्ड चैप्टर में जो जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई जी प्लस एनएक्स ये वाला फॉर्मूला कि जीडीपी किस बेसिस पे डिटरमाइन होता है क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं ये पढ़ोगे सो ट्रस्ट मी अगर आप ये वाला चैप्टर पढ़ोगे तो यू विल गेट मच बेटर अंडरस्टैंडिंग साथ में एक और मेरी एडवाइस है इसमें काफी चीज़ जो है न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं और प्रूव करने की कोशिश की गई है सी आपको प्रूफ याद करने की या उसमें ज्यादा इतना ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है आपको सिंपली कॉन्सेप्ट समझना है ठीक है तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं और कुछ ज्यादा ग्राफ के थ्रू प्रूव करने की कोशिश की गई है दैट पार्ट आप पढ़ लो बट उसको ज्यादा यू you नो know, उसमें टाइम वेस्ट मत करना अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए सो दैट इज सफिशियंट ठीक है तो यही टारगेट्स हैं नाउ रिलेटिवली दिस इज एन इजियर टारगेट फॉर यू ठीक है आपके लिए एक ईजी टारगेट है एस पर माई एस्टिमेशन आपको टू एंड हाफ आवर्स से कम ही लगना चाहिए इसमें ठीक है नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट अगर करंट अफेयर्स की बात करें सो करंट अफेयर्स में आज आपके लिए लास्ट डे है जून मैगजीन कवर करने का कल कल से जो है हम जुलाई मैगजीन कवर करेंगे सो so, जो भी बचा कुचा है आप जून मैगजीन का कवर कर लो यू कुड गिव मोर टाइम हियर टुडे ठीक है सो इसी तरीके से होगा किसी दिन हो सकता है जो है इकोनॉमी के टारगेट ज्यादा हो जाए तो यहां पे कम करना पड़ेगा किसी दिन ये ज्यादा वो कम हो जाए तो यहां पे ज्यादा कर लो ठीक है इसके अलावा ऑब्वियसली न्यूज़पेपर और ऑप्शनल की बात करें तो टोटल टाइम जो है आपको 1.5 पॉइंट फाइव तो अपना न्यूज़पेपर में देना है राइट ऑल दो अब एक महीने से ऊपर हो गया है ट्राई टू इंश्योर कि आप वन आवर के अंदर करें कुछ भी हो जाए एंड या तो फिर डीएनए देख लो एंड हाइब्रिड अप्रोच दैट आई दैटमेंट इज की डीएनए देखो और एक या दो एडिटोरियल आप पढ़ लो ठीक है इसके अलावा जहां तक ऑप्शनल की बात करें तो प्लीज आई सॉ योर कॉमेंट्स कई लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शनल में हमने नहीं दे पा रहे टाइम या फिर कई लोगों का कि थ्री मंथ्स के बियॉन्ड हो गए देखो दैट इज सी ये एक जनरलाइज स्ट्रेटजी हम कोशिश करते हैं कि जो एसेंशियल चीजें जो ऐसी चीजें हैं जो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए मतलब करनी ही होगी वो आपके लिए डेली आपको उसके टारगेट्स मिले ठीक है सो ऑप्शन ऑब्वियसली आप तीन महीने से चार पांच महीने तक खींच सकते हो बट एडवाइजेबल यही है कि तीन चार महीने में आप इसको अगले जो है खत्म कर दो ठीक है दैट इज एडवाइजेबल थोड़ी अब देखो ऑब्वियसली ये एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है देखो जितना बड़ा टारगेट होता है उतनी ज्यादा मेहनत होती है राइट तो अगर आपको इतना बड़ा टारगेट आपने सेट किया है तो ऑब्वियसली प्लीज नेवर ये वाला थॉट मत रखिए कि कम मेहनत से हमारा काम बन जाए डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स ठीक है राइट देखिए यहाँ पे हम आपको बोल रहे हैं कि स्मार्ट वर्क करिए बट शॉर्टकट्स मत लीजिए ठीक है ये मत सोचिए कि मैं मेहनत से भागने का मत सोचिए सिंपल आइडिया ये है ठीक है so, सो मेहनत से भागने का मत सोचिए आप हार्ड वर्क करिए और स्मार्ट वर्क दोनों साथ में करिए ठीक है बट ये माइंडसेट मत रखना कि मैं मेहनत कम करूं ठीक है मेहनत जितनी ज्यादा लगेगी उतनी आपको ये माइंडसेट रखना है कि मुझे करनी है ठीक है इसके अलावा सजेशन है है डेली आंसर राइटिंग कोर्स जो होता है, अगर कर सकते हो तो बिल्कुल करो नहीं कर पाए तो एटलीस्ट देख ही लो तो आपको एक आइडिया लगेगा कि भाई कंटेंट पढ़ना कैसे ठीक है एंड कोशिश करो कि मिनिमम मिनिमम थ्रेश तो एट आवर्स होना चाहिए एट आवर्स के नीचे आपकी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए जो भी प्रोग्रेस है आपका कमेंट्स में पूछे और कोई डाउट डाउट क्वेरी या कोई भी फीडबैक है ये कॉमेंट से पूछे वैसे याद आया कि एक चीज आपने पूछी थी कि क्लास इलेवेंथ की एनसीआर टी सो एज आई टोल्ड यू हम जो है साथ साथ में करेंगे उस एनसीआर टी को ठीक है सो वी विल बी डूइंग इट साइमल्टेनियसली रमेश सिंह और जो है एनसीआर टी के रिलेवेंट चैप्टर्स साथ साथ में जहाँ पे प्लानिंग वगैरह आएगा तो वहां पे हम जो है एनसीआर टी पहले करेंगे ताकि एक बेस और फ्रेमवर्क मिल जाए फिर रमेश सिंह करेंगे ताकि देखो एनसीआर टी में चीजों को समझने के लिए अच्छा खासा इजी फ्रेमवर्क दिया है बट कंटेंट कम है रमेश सिंह में कंटेंट ज्यादा है बट फ्रेमवर्क अच्छा नहीं है तो हम फ्रेमवर्क एनसीआर से लेंगे कंटेंट रमेश सिंह से एक्स्ट्रा लेके जो है वी विल ट्राई टू इंश्योर कि हमारा जो स्टडी है कॉम्प्रियसिव इसके अलावा नोट मेकिंग की बात हो रही है सी आई वुड रिकमेंड कि अभी अगर हाईलाइट भी कर लोगे तो भी काफी है ठीक है बाद में रिविजन का टाइम आएगा एट दैट टाइम एट द टाइम ऑफ रिविजन जो है आपको पता है क्या चीजें पढ़नी है आप वहां से सीधा सीधा पॉइंट्स निकाल सकते हो ठीक है so, सो अभी हाईलाइट कर लो बट अगर आपके पास अभी टाइम है आपने पहले ये चीजें पढ़ रखी हैं एंड यू आर रीडिंग दीज अगेन इन दैट केस आई वुड रिकमेंड डू मेक नोट्स ठीक है एंड लास्टली देखिए इसमें जो हम क्विज भी कराते हैं टेन पी एम पे इसके लिए एक सेपरेट ग्रुप है टेलीग्राम का डेली गाइडेंस का ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो देर इज अ फॉर्म डिस्क्रिप डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप वो फिल करिए तो आपको ग्रुप ज्वाइन करने का जो है लिंक मिलेगा ठीक है एंड ऑल्सो वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू कम अपनी विच हेल्प यू इन यूर प्रिपरेशन राइट सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डेफिनेटली हम आगे और भी इनिशियटिव लाने का सोच रहे हैं विच वुड बी सर्टेनली आ वैल्यू एडिशन इन यूर प्रपरेशन सो विद दिस आज के टारगेट्स यही हैं एंड सी यू अगेन टमोरो